सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने डिवाइस में .os 5.1.1 को इंस्टॉल करते हैं और उसका क्विक लिटिल रिव्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस रोम को मैं 2 दिन तक यूज़ किया हूँ और ये June 13 का बिल्ड है। इसका जो प्रीवियस बिल्ड था वो बिल्ड मेरे को थोड़ा हल्का सा बगी लगा था और उसमें कुछ फीचर्स मेरे डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा था कि इसको मैं वीडियो में नहीं बनाता। तो सिंपली मैं अभी जो नया बिल्ड निकल के आया है June 13 का, ये बिल्ड मेरे को बहुत ही सही लगा। इसमें कुछ भी बग्स मेरे को देखने को नहीं मिलता और प्रीवियस बिल्ड से भी ये बिल्ड थोड़ा फास्ट है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इस रोम को इंस्टॉल क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको मिल जाता है कि एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस हमको देखने को मिल जाता है। ये रोम पूरा एंड्रॉयड 12 की तरह दिखता है, हालांकि इसमें अंदर का जो एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 11 है, बट आपको अगर एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस लेना है तो इस रोम को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। और इस वीडियो का आखिरी में मैं इसका फ्लैशिंग प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिएगा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैसे भी देख सकते हैं फाइनली द रोम बूट हो गया है और स्टेटस बारे में हम देख सकते हैं कि प्योर एंड्रॉयड 12 की तरह लुक देता है। इसका वाईफाई नेटवर्क और बैटरी सेम पर राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ, बहुत ही क्लीन तरह से सेटिंग दे दिया गया है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है। तो सिंपली मैं आपको अवार्ड फोन में दिखा देता हूँ कि करेंटली मैं .os 5.1.1 में रन कर रहा हूँ और ये एंड्रॉयड वर्जन हमको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। तो ये June 13 का जो बिल्ड निकल के आया है बहुत ही स्टेबल बिल्ड है, इसमें कुछ भी बग्स मेरे को दिखाई नहीं देता है। तो AOD ऑन लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इधर वर्क कर रहा है परफेक्टली, आप इधर देख सकते हैं। और बहुत सारे कस्टमाइजेशन में फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आप स्टेटस बार को एडिट कर सकते हैं, अपना बैटरी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंपली चेंज करने के लिए हमको इसको ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हम अपने डिवाइस में कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। और इसमें नेटवर्क का इंडिकेटर भी मिल जाता है देखने के लिए और बैटरी का बहुत सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। एक एक करके अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सा दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हैं ऐप लॉक में, तो इस रोम में हमको इनबिल्ट ऐप लॉक मिल जाता है। इस ऐप लॉक को हम अपने फेस अनलॉक के साथ सेटअप कर सकते हैं और बाकी सब नॉर्मल चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। और ऐप सेक्शन में हमको बस नॉर्मल कुछ गूगल का एप्लीकेशन और कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये स्टॉक रूम है हम देख सकते हैं। और कैमरा भी हमको कुछ नॉर्मल सा कैमरा एक तो मिल जाता है, आप अगर चाहे तो इसमें गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहा इसका क्विक लिटिल रिव्यू। तो अभी हम चलते हैं इसका फ्लैशिंग प्रोसेस में। इस रोम को फ्लैश करने के लिए हमको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका रोम फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमको डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन जिप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब कुछ डाउनलोड करने के बाद मेक श्योर डेट कि आपके फ़ोन में कोई सा भी स्क्रीन लॉक या फिर गूगल अकाउंट से अगर लॉगिन होगा तो वो दोनों चीज़ को रिमूव कर दीजिएगा। वो दोनों चीज़ रिमूव करने के बाद सिंपली अपने डिवाइस को अपने रिकवरी मोड में बूट कर लीजिएगा। रिकवरी मोड में बूट करना भी बहुत सिंपल है, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सब कुछ करने के बाद सिंपली हमको जाना है वाइप में, फिर जाना है एडवांस वाइप में, फिर डेल्विक केज सिस्टम वेंडर एंड डाटा, ये चारों चीज़ सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू वाइप कर लीजिएगा। उसके बाद जाना है फिर से होम में, फिर से हमको जाना है इंस्टॉल में। और आप इधर देख सकते हैं ये रहा उसका .os वर्जन 5.1, इसको हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और इसको स्वाइप टू फ्लैश कर लेंगे। तो ये चीज़ फ्लैश होने में अप टू 2 to 3 minutes लग जाता है, तो मैं वीडियो का भी स्किप कर लेता। तो सिंपली आप इधर देख सकते हैं कि .os जो रोम फाइल है तो सक्सेसफुली बूट मतलब फ्लैश हो गया है। तो इसके बाद हमको जाना है डिसेबल फोर इंक्रिप्शन जिप, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये चिप को फ्लैश करने से पहले सिंपली हमको जाना पड़ेगा माउंट में और जो वेंडर फाइल है उसको टिक कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे तरह से फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हमको इंस्टॉल में जाकर डिसेबल फोर इंक्रिप्शन को फ्लैश कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ फ्लैश होने के बाद सिंपली हमको रिबूट सिस्टम में क्लिक करना है और अपने डिवाइस को रिबूट करके इस रोम को हम अभी परफेक्टली यूज कर सकते हैं।